वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर डैश, तो बाय देयर स्मेल। मेल इंसेक्ट होते हैं वो फीमेल इंसेक्ट को उनकी स्मेल से पहचानते हैं। सेकंड, काइट्स ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी डैश टाइम्स एज फार एज वी कैन सी, तो फोर टाइम्स। उसका आंसर है फोर टाइम्स। काइट्स ईगल्स एंड वल्चर कैन सी फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन। थर्ड, एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन डैश एंड डैश, जो रात को जागने वाले जो एनिमल्स हैं वो चीजों को कैसे देखते हैं, तो वो देखते हैं ब्लैक एंड वाइट। एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। फोर्थ, एलिफेंट रैबिट काउ एंड बफेलो हैव ईयर्स डैश देन अवर ईयर्स। ऑब्वियसली आंसर आएगा बिगर देन अवर ईयर्स। एलिफेंट रैबिट काउ एंड बफेलो के ईयर्स हैं वो हमारे ईयर्स की साइज से बड़े होते हैं। फिफ्थ, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय डैश, तो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो फिशेस होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देके अलार्म कॉल देती है। आगे वन मार्क्स के क्वेश्चन ही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है। फर्स्ट है, एनिमल्स कैन सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, क्या एनिमल्स हम जितने कलर देख सकते हैं उतने देखते हैं? नो, हमारे जितने कलर वो नहीं देख पाते, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकंड, एनिमल्स विथ बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग देन एनिमल्स विथ स्मॉलर ईयर्स, जिनके कान बड़े होते हैं उनकी हियरिंग कैपेसिटी जिनके कान ईयर्स छोटे होते हैं उनसे ज्यादा होती है। ये बात सही है, ट्रू। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, स्नेक्स को एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, तो ये बात भी सही है, ट्रू। फोर्थ, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, कुछ एनिमल्स होते हैं वो अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला हो तब अचानक दौड़ने लगते हैं या कहीं छुप जाते हैं, अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, तो हाँ यार ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। फिफ्थ, डॉल्फिन मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर, डॉल्फिन भी मैसेज करने के लिए डिफरेंट साउंड का यूज करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू। ह्यूमन बींग आर बिगेस्ट थ्रेट टू एनिमल्स, मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, मैच दिस एनिमल विद देयर पार्ट्स विच आर सोल्ड। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, उनको बेचते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल में दो कॉलम है ए और बी, एक साइड में मैंने एनिमल्स के नाम लिखे हैं और बी साइड में कौन से उन बॉडी पार्ट्स के लिए उनको यूज किया जाता है वो लिखा है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है। पहले है एलिफेंट, तो एलिफेंट किसके लिए यूज होता है, फॉर द टस्क, उनके दांत के लिए यूज होता है, फॉर द टस्क, एलिफेंट का यूज उनके दांत के लिए होता है। राइनोसर्स, फॉर हॉर्न, उन राइनोसर्स के यूज होता है उनके सिंग के लिए। टाइगर क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स, इनका यूज होता है फॉर स्किन, उनकी स्किन के लिए उनका यूज होता है। मस्क डियर, मस्क डियर मतलब कस्तूरी हिरन, उसका यूज होता है थ्रू मेक लिटल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, सेंट बनाने के लिए उसकी मस्क का यूज होता है। अब टू मार्क्स का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मॉस्किटो फाइंड अस, मॉस्किटो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं,
मॉस्किटो कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमें ढूंढ लेते हैं. स्मेल ऑफ द सोल ऑफ अवर फीट एंड द हीट ऑफ अवर बॉडी, हमारे पैर के तलवे की स्मेल से और हमारी बॉडी की हीट से वो लोग हमें ढूंढ लेते हैं और हमें काटते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज अ डॉग स्निफ हियर और देयर, कुत्ते यहाँ वहाँ क्यों सूंघते रहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों सूंघते रहते हैं बार बार. डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटिंग. डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया को मार्क करते रहते हैं अपने यूरिन से अपनी पॉटी से, और जब वो सूंघते रहते हैं तो वो देखते हैं कि कोई दूसरा डॉग उस एरिया में तो नहीं आ गया, तो वो पहचानने के लिए, वो ढूंढने के लिए वो बार बार सूंघते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द एंट्स रिकॉग्नाइज द एंट्स ऑफ अदर ग्रुप, एंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि दूसरी एंट्स दूसरे ग्रुप की है. एंट्स कैन इजीली डिस्टिंग्विश द एंट्स ऑफ अदर ग्रुप बाय स्मेल, वो भी स्मेल से पहचानती है और अलग करती है कि उनके ग्रुप की एंट्स कौन सी है और दूसरे ग्रुप की कौन सी है. एंट परसीव स्मेल बाय देयर लॉन्ग थिन एंटेना, उनके लॉन्ग थिन एंटेना के कारण वो स्मेल को महसूस कर पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, क्या स्मेल होती है वो अच्छी या बुरी सबके लिए सेम होती है या डिपेंड्स करती है कि दूसरा उसके बारे में कैसा फील करता है. तो ये क्वेश्चन का आंसर तो इजी है, हम सब जानते हैं. अ स्मेल कैन नॉट बी गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, सबके लिए एक जैसी नहीं होती है. कोई स्मेल ऐसी भी होती है जो मुझे पसंद हो आपको पसंद ना हो, आपको जो पसंद हो मुझे ना पसंद हो, ऐसा भी होता है. दो सम स्मेल कैन बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन कुछ स्मेल ऐसी होती है जो सबको पसंद नहीं होती है, जैसे कूड़े की स्मेल हो या कोई खाना खराब हो गया उसकी स्मेल हो, ऐसी स्मेल सबको पसंद नहीं होती. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, कोई कैसा उसके बारे में फील करता है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है. हाउ डू स्नैक्स हियर, सांप कैसे सुनते हैं? The snakes do not have external ears which we can see. They only feel the vibration on the ground. मैंने आपको पहले भी बताया है कि snakes को external ears नहीं होते हैं, उनको बाहर के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो movement को देखते हैं, vibration को feel करते हैं पूरी body पे और ऐसे वो सुनते हैं. Next question. How does a langur warns others of danger like a tiger or leopard? Langur कैसे warn करता है danger के बारे में दूसरों को? तो high up on a tree, a langur warns others of danger by making a special warning call. Special sound निकालता है langur. जब भी कोई खतरा हो, कोई animal आ रहा हो, या कोई disaster कोई ऐसा होने वाला हो, ऐसी कोई situation होने वाली हो, जहाँ पे खतरा हो, तो वो warning call different sound निकाल के देता है. How do birds give alarm call? Birds give alarm call by making different sound for different kind of danger. For example, there is a different warning call if enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. So birds be different sound निकालते different danger के लिए. हर danger के लिए एक ही sound नहीं होता है. Different different sound होते हैं. जब कोई enemy उनके पास आ रहा हो तो उसके लिए उनका कोई अलग sound होगा, तो वो निकालते हैं ताकि सब लोग अलर्ट हो जाए और बच सके. राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, कौन सा ऐसा बर्ड है जिसकी आंखें ह्यूमन की तरह सामने की तरफ होती है, हेड के सामने की तरफ होती है. आउल हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमंस, आउल ऐसा बर्ड है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है जैसे ह्यूमंस की होती है. How do birds focus? Write the name of some bird which have eyes on either side of the head.
बर्ड कैसे चीज़ों को देखते हैं, फोकस कैसे करते हैं, कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आइदर साइड पे होती है आंखें, वो भी हम देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, सभी बर्ड्स जो होते हैं उनकी आंखें आइदर साइड ऑफ द हेड दोनों तरफ होती है। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, एक ही बार में वो दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। When they look straight ahead, both eyes focus on the same object. लेकिन जब वो सामने देखते हैं तब वो एक ही चीज पे फोकस दोनों आंखों से कर सकते हैं। तो सामने आइदर साइड ऑफ द हेड वाले बर्ड्स कौन से हैं, तो पिजन है, स्पैरो है, पैरट है, कुकू है, बहुत सारे हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, डू यू नो व्हाई? बर्ड्स को हमने देखा है कि अपनी गर्दन को बार बार घुमाते रहते हैं, तो क्या कारण है उसका? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो बर्ड्स होते हैं उनके गर्दन को घुमाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी आंखें फिक्स होती है, वो अपनी आंखों को नहीं घुमा सकते, इसीलिए उनको बार बार अपनी गर्दन घुमा के आसपास का देखना पड़ता है, इसलिए वो अपनी नेक को बहुत ही ऑफन हर थोड़े थोड़े टाइम पे घुमाते रहते हैं। अब मैंने एक पैसेज जैसा है, एक पैरा है, उसमें थोड़ी सी ब्लैंक्स छोड़ी है और हमें इसमें डिटेल में स्लोथ क्या है, स्लोथ के बारे में हमको जानने को मिलेगा। तो रिराइट द फॉलोइंग पैरा बाय फिलिंग द मिसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्लोथ। स्लोथ एक एनिमल है, उसके बारे में हमको पता चलेगा। स्लोथ लुक्स लाइक अ डैश बट इट इज नॉट, तो इसका आंसर है स्लोथ लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट, वो बियर जैसा दिखता है लेकिन बियर नहीं है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट डैश आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग डैश ऑन अ ट्री ब्रांच, तो वो इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, वो 17 घंटे सोता रहता है वो भी पेड़ के डाली पे उल्टा लटका हुआ। द स्लोथ ईट्स द डैश ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, तो जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्तों को वो खाता है। इट हार्डली ईट्स एनीथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं खाता है ज्यादातर। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स ऑन दैट ट्री इट मूव्स टू नियर बाय ट्री, जब वो उस पेड़ के पत्तों को खा चुका होता है तब वो नियर बाय ट्री पे मूव करता है। स्लोथ लीव फॉर अबाउट डैश ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे मूव ओनली डैश ट्रीज, तो उसका आंसर है स्लोथ लीव अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे मूव ओनली 8 ट्रीज, तो स्लोथ है वो 40 ईयर्स के आसपास जीता है और उस टाइम पे वो सिर्फ 8 ट्रीज पे मूव करता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, पूरे हफ्ते में एक ही बार वो नीचे आके अपने को आराम कर देता है, रिलीव करता है। और लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, स्मेल के बारे में देखा कि हर किसी के लिए अलग अलग होती है, फिर भी मोस्टली जो स्मेल सबको पसंद है वो है रोजीज, रूम फ्रेशनर, बिरयानी, फ्लोर क्लीनर, इंसेंस स्टिक, ये सारी स्मेल मोस्टली सबको पसंद होती है। और ऐसी स्मेल जिनको नहीं पसंद होती है सबको मोस्टली, तो स्टेल फूड, रोटन एग्स, गार्बेज इन डस्टबिन, काउडंग, डेड एनिमल्स। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे।